और मेरे बुक्कर दोस्तों कैसे हो आप सब आप सभी को तो पता है मैं किड्स लंच बॉक्स डे सीरीज लेकर आई हूं और आज डे फोर का रेसिपी है तो आप सभी को मेरी ये किड्स लंच बॉक्स सीरीज कैसी लग रही है आप कमेंट में जरूर बताया करें और अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें आज डे फोर में मैं बना रही हूँ ओट्स का कटलेट ओट्स का कटलेट बनाने के लिए मैं ली हूँ एक कप होल ओट्स जो कि ये प्लेन ओट्स है और उसमें डालेंगे टू टेबल स्पून दही और फिर थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसका एक बैटर बनाएंगे बहुत ठीक सा रहेगा तो बस यहाँ पे मैं करीबन दो टेबल स्पून पानी डाली हूँ और आप देख लीजिए और ये फूलने के बाद और ये गाढ़ी हो जाएगी फिर इसमें और भी कुछ जाएगा क्योंकि किड्स का लंच बॉक्स है तो मानिए हेल्दी तो होगा ही फिर हम इसमें वन फोर्थ कप पनीर ग्रेट करके डालेंगे घस के और एक मीडियम साइज़ का आलू ये थोड़ा बाइंडिंग देगा और इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा चीजी आएगी तो हम इसे ग्रेट करके इसी में मिला देंगे और आप देख लीजिए ओर्स हमारा कितना ज़्यादा ठीक हो गया है तो आप एक कप में दो टेबल स्पून ही दही लीजिएगा नहीं तो वो रनी हो जाएगा फिर कटलेट अच्छी नहीं बनेगी फिर हम आलू और पनीर को डाल देंगे ओट्स में और यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली हूँ जिसमें कि एक छोटी प्याज बरीक चॉप करके लिया है थोड़ा सा शिमला मिर्च बिल्कुल ये सारी चीज़ बिल्कुल बारीक बरीक चॉप है और फिर थोड़ा सा गाजर घस के एक से दो हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया एक टी जैसा अगर आपके बच्चे जो नहीं खाते आप इसमें स्किप कर सकते हैं और एक टीस्पून अदरक घस के नमक स्वाद अनुसार हाफ टी स्पून खड़ा जीरा हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर बस और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा और करेंगे सभी को अच्छे से मिक्स मैं यहाँ पे हाथ से ही मिक्स करूँगी तब ये बहुत ही इवेंटली सारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और मानिए इतना ये टेस्टी बनते हैं बच्चे इसे ज़रूर लाइक करेंगे और ये हेल्दी भी होता है फिर एक पैन में हमने एक टेबल स्पून ऑयल डाला है और फिर इसे थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे सारे पैन को कि चिटके नहीं और फिर हाथों में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लग लेकर कटलेट का सेप देते हुए आप जिस सेप में बनाना चाहते हो आप उसका सेप दे दीजिए मैं यहाँ पे सर्कल में बना रही हूँ तो बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेना है हाथ में ऑयल लगा के और फिर हम इस तरह से पैन में डालते जाएंगे। ये एक बहुत ही हेल्दी वर्जन है बच्चों के लंच बॉक्स में इसमें वेजिटेबल है ओट्स है और पनीर है मतलब प्रोटीन फाइबर हर एक चीज़ है तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आता है मेरी बेटी है तो मुझे बच्चों का ख्याल है कि बच्चे को क्या पसंद है नहीं पसंद है आप एक बार मेरे कहने से इसे जरूर ट्राई कीजिए आपके बच्चे बार बार मांग के लंच बॉक्स में लेकर जाएंगे डिमांड करेंगे तो बस और ये हम कटलेट बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाएंगे फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं कीजिएगा एकदम लो में रखेंगे और धीरे धीरे सिकने के लिए हम छोड़ देंगे तभी ये क्रंची और अंदर से एकदम अच्छे से पक जाएगा अगर हाई पे कीजिएगा अंदर में गिलगिला सा रहेगा और फिर बच्चे नहीं खाएंगे तो फिर बोलोगे कि हाँ देखो मेरे बच्चे ने नहीं खाया तो आप इसे एकदम लो फ्लेम पे करना बहुत बढ़िया टेस्ट देगा तो अलटते पलटते हमने बिल्कुल गोल्डन होने तक कटलेट को पका लिया है और आप देखिए इतना इजी रेसिपी है क्योंकि सुबह में मॉम्स को जल ज़्यादा छुट्टी नहीं रहती है बहुत हड़बड़ी होती है बहुत सारे काम होते हैं तो ये मैंने डेसिक सीरीज चलाई है तो आप और भी सारे सीरीज देखिए बहुत ही इजी रेसिपी मैं लेकर आई हूँ किड्स के लिए और पसंद आने वाली है बच्चों को तो हमने यूनी रैप लंच बॉक्स में लगाया है और फिर डाल देंगे कटलेट इससे लंच शॉगी नहीं होता है जैसे गर्म लंच में पानी छूट जाता है तो वो ख़राब हो जाता है तो इससे खराब नहीं होगी और साथ में दी हूँ कीवी मैं बेटी को हर दिन एक फ्रेश फूड देती हूँ जिससे कि मीठे की क्रेविंग नहीं होती है और बिल्कुल ये एक हेल्दी ऑप्शन है आप जरूर इसे एक बार ट्राई कीजिए तो कैसी लगी रेसिपी मुझे जरूर कमेंट कीजिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टाटा बाय बाय